नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू का कहर जारी है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब करीब सभी मंत्री नदारद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इलाज के लिए शहर से बाहर गए हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी अमेरिका के दौरे पर है, यानी दिल्ली राम भरोसे चल रही है। चिकनगुनिया से दिल्ली में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और आरोपों का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे पास अधिकार नहीं। ऐसे में आम जनता सियासत के इस खेल में पिस रही है और अपनी जिंदगी गंवा रही है। आखिर दिल्ली की इस बीमारी का जिम्मेदार कौन है? तो दिल्ली का आम आदमी हैरान है, परेशान है, क्योंकि सियासत की ऐसी जंग चल रही है जिसमें वो बलि का बकरा बना हुआ है। दिल्ली के लगभग सभी हॉस्पिटल मरीजों से भरे पड़े हैं। चिकनगुनिया और डेंगू के डंग से लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली सरकार इसको लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग पर ठीकरा फोड़ रही है। वहीं विपक्षी दल दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। चिकनगुनिया पर जारी है सियासत। दिल्ली को डरा रहा है चिकनगुनिया। नेता खेल रहे हैं सियासत का खेल। चिकनगुनिया पर सियासी लड़ाई। राजधानी दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू और मच्छरों से होने वाली बीमारियों ने हमला बोल रखा है। पिछले 24 घंटे में चिकनगुनिया से दिल्ली में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चिकनगुनिया के इस बढ़ते प्रकोप के बाद इंतजामों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार का महज एक मंत्री ही दिल्ली में मौजूद है। जिस वक्त चिकनगुनिया दिल्ली की सेहत बिगाड़ रहा है, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री गोवा में पार्टी की सेहत सुधारने में लगे हुए हैं और सर्जरी के लिए सीएम केजरीवाल बेंगलुरु में हैं। अब जरा यह भी जान लें कि चिकनगुनिया को लेकर किस तरह की सियासत हो रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी ने जब सरकार पर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। इन सब के बीच कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर होती नजर आई। चिकनगुनिया डेंगू के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये आप प्रचार क्यों करते हैं? तो ये 550 करोड़ रुपए का जो आपने सैंक्शन किया है, ये क्यों किया है? क्या प्रचार करने के लिए किया है? सब चीजों पर देखना चाहिए था, और इसमें सफरिंग तो सभी हो रही है। मुझे जहां तक ज्ञात है हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल रही अब लोगों को, तो ऐसी दयनीय स्थिति उत्तर दिल्ली जैसे शहर जो देश का कैपिटल है वो हो जाए, और कितने दिन चलेगी ये भी नहीं कुछ पता है। और जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि शायद कोई मिनिस्टर यहाँ है भी नहीं, सब लोग अपने बाहर गए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोग कह रहे हैं कि जी दिल्ली सरकार ने नहीं किया। दिल्ली के अंदर 10,000 बेड है दिल्ली सरकार के पास, और 10,000 बेड है कौन सी सरकार के पास? तो नड्डा साहब से पूछिए ना, नड्डा साहब कहां पर है, क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या अस्पतालों के अंदर किया है। रामनगर लोही हॉस्पिटल की फोटोग्राफ दिखाते हैं और दिल्ली सरकार को कहते हैं गालियां देते हैं, ये क्या मतलब हुआ? अरे रामनगर लोही हॉस्पिटल मेरे अंडर नहीं आता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता, वो केंद्र सरकार के अंडर आता है। उनसे पूछिएगा कि नड्डा साहब को बुलाइएगा वहां पर कि रामनगर लोही हॉस्पिटल में आइएगा, उनकी चलती है वहां पर, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। चिकनगुनिया से मरीजों की मौत शुरू हो चुकी है और नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि जब हमारे पास कोई पावर नहीं है तो चिकनगुनिया पर हमसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। इस मामले में एलजी को पीएम से बात करनी चाहिए। हालांकि सियासी लड़ाई के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। जनवरी महीने से ही हम सब लोग चिकनगुनिया को लेकर के, डेंगू को लेकर के हर तरीके की एडवाइजरीज हम दे रहे हैं। यहाँ अपने मंत्रालय में भी बुला करके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री
और दिल्ली के एमसीडीज एनडीएमसी सबके अधिकारियों को बुला करके हमने समय पर रहते बताया था कि इसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाएं और इनको सारे प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस की और हॉस्पिटल में बेड्स की व्यवस्था डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ये सारी की सारी माकूल की। जाहिर है दिल्ली में चिकनगुनिया का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। हालांकि दिल्ली अभी इंतजार कर रही है कि कब नेता सियासत से बाहर निकलकर उन्हें चिकनगुनिया और डेंगू की मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली की हर समस्या पर ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हो उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट एमएचवन न्यूज। तो दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया लगातार खतरनाक स्तर को पार करते जा रहे हैं। सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही है, एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर थोपी जा रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्र सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्र सिंह जी। इसके अलावा हमारे साथ ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। ओपी जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली सरकार की ओर से बात रखने के लिए कर्नल सी डी कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। कंबोज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि दिल्ली सरकार की बात है इसलिए शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। डेंगू और चिकनगुनिया की जो स्थिति है दिल्ली में वो काफी बदतर होती जा रही है। चिकनगुनिया के बारे में कहा जाता था कि इससे मौतें नहीं होती, लेकिन अब चार मौतों का आंकड़ा भी यहां पर सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार कितनी तैयार है लड़ने के लिए, और विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि दिल्ली सरकार फेल हो रही है, आप क्या कहेंगे? मैं कर्नल सी डी सिंह कंबोज हूं, मैं पंजाब से हूं, दिल्ली से नहीं हूं, लेकिन हमें सब मालूम है कि वहां क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग जो है मौतों के ऊपर भी राजसी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। अगर किसी की डेथ होती है, किसी वजह से भी होती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके ऊपर अफसोस होना चाहिए, या ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने चाहिए। जहां तक सवाल है दिल्ली की प्रिपरेशन का, अभी अभी जो है आपने सुना होगा, आपको पता चल गया होगा कि 1000 और नए बेड जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सभी हॉस्पिटल्स को और नर्सिंग होम्स को भी कहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कि वो अपनी 10-20% तक जो है कैपेसिटी को बढ़ाएं। 202 डिस्पेंसरीज, 106 मोहल्ला क्लिनिक, 28 दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पे सभी जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वहां पे फ्री टेस्ट करने की सुविधा है, फ्री इलाज होता है और फ्री दवाइयां बांटी जा रही हैं। जो पेशेंट दिल्ली से बाहर से भी आ रहे हैं उनके लिए भी ये सभी सुविधाएं हैं। सभी ओपीडी में सभी पेशेंट्स को और जो अटेंडेंट हैं उनके लिए आरओ का पानी का इंतजाम किया गया है, और जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो इमरजेंसी ड्यूटी पर नहीं है उनको भी डायरेक्ट किया है कि वो भी इस जो फीवर क्लिनिक्स है उसकी तरफ ध्यान करें। लेकिन जहां तक बात है कि जिम्मेवार कौन है, मैं समझता हूं कि सभी को मालूम है कि जो एमसीडी की जिम्मेवारी है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी भी पूरा जो है दिल्ली के अंदर जो सभी दवाई वगैरह जो है उसका छेड़ने का अभियान चला हुआ है, और ईडीएमसी एसडीएमसी और एनडीएमसी को फंड जो है अलॉट भी कर दिए गए हैं। अफसोस की बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि जो मंत्री हैं यहां नहीं है, मंत्री जी सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 दिन जो है वो आउट ऑफ टच थे या वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे। लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं, जो कि अभी एलजी ने उनको डिटेल किया, मिस्टर कलवाड़े, वो 15 दिन की छुट्टी पे 15 दिन से छुट्टी पे गए हुए हैं, उनके लिए कोई बात नहीं करता है कि सेक्रेटरी हेल्थ की मेन जिम्मेवारी है। और वो जो सीएम ने डिटेल किए थे सेक्रेटरी हेल्थ, उनको उतार के उनको लगाया और उनको छुट्टी भेज दिया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? चल, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये खाली दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है जी जी। अभी मैं आपको अगर चंडीगढ़ के बारे में बताऊं तो चंडीगढ़ में जो है वो प्रॉब्लम इससे भी बहुत बड़ी है। लास्ट ईयर सितंबर एंड तक 150 केसेस हो चुके थे, टोटल 998 केस हुए थे जी जी। इस बार 375 केस सामने आए हैं, और जिनमें से चंडीगढ़ के 96 केसेस हैं और बाकी जो मोहाली और पंचकुला और नजदीक के केसेस हैं। दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर चंडीगढ़ में भी डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक चंडीगढ़ में डेथ हो चुकी है,
बिल्कुल कर्नल साहब, बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, बिल्कुल बिल्कुल वहां भी स्थिति खराब है। आपने यहां के बारे में भी बात की, वहां के बारे में बात भी की, अब जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। ओपी शर्मा जी के पास चलते हैं। ओपी जी, आपने तमाम बातें सुनी होगी कर्नल सिटी कंपोज की, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एमसीडी की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार तो काम कर रही है, इसके बावजूद काम कर रही है। और सवाल यह भी किए गए कि अगर आप मंत्री जी के बारे में कहते हैं तो मंत्री जी तो लौट आए हैं, दो दिन गोवा में गए थे लेकिन अभी लौट आए हैं। ओपी शर्मा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जब दिल्ली के अंदर 49 दिन की सरकार छोड़कर, ये कौन बोल रहे हैं, जब दिल्ली में 49 दिन की सरकार केजरीवाल जी छोड़कर भागे, हमें आवाज नहीं आ रही, तो उन्होंने नाक रगड़ रगड़ के ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। लेकिन आज ये देख रहे हैं हम, केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं है, 6 में से 5 मंत्री दिल्ली में से गायब हैं, और इवन कोई स्पोक पर्सन दिल्ली में फैलती हुई महामारी के लिए बात करने के लिए दिल्ली आम पार्टी का कोई भी व्यक्ति आज इवन टीवी पर भी उपलब्ध नहीं है। तो जहां तक सवाल केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की आम पार्टी का है, आज सुबह जो ट्वीट आया केजरीवाल जी का पत्रकारों के विषय में, वो बेहद शर्मनाक है। और दिल्ली की जनता जब इनसे गवर्नेंस की उम्मीद रखती है, तो गवर्नेंस को छोड़कर ये रंगरेलियां मनाने के लिए दिल्ली से बाहर हैं। और आज दिल्ली का कोई भी स्पोक पर्सन या एमएलए दिल्ली में फैली हुई महामारी के विषय में जो दिल्ली सरकार की स्थिति को रखने के लिए आज यहां पर उपलब्ध नहीं है, ये बड़ा शर्मनाक है और दिल्ली के लिए बड़ी तकलीफ देह बात है। बिल्कुल ओपी शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से की गई है, सत्येंद्र जैन जी लौट आए हैं गोवा से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बात रखी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन छतर सिंह जी के पास चलते हैं। छतर सिंह जी, आपने दोनों नेताओं को सुन लिया, आम आदमी पार्टी का वर्जन क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, अब कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है, आप बताइए। देखिए, ये ना तो आप पार्टी दिल्ली के बारे में सीरियस है और ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बारे में सीरियस है। अभी आप पार्टी वाले बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी वाले आप पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। ये आप पार्टी वाले, इनके नेता भी नहीं है यहां, अभी कह रहे हैं कि उसको हेल्थ सेक्रेटरी को हटा दिया है इसलिए उसकी जगह कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए यह महामारी फैल रही है। अरे भाई, आप बताओ, आपके मुख्यमंत्री कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी इलाज करने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं, कोई आपके मंत्री फिनलैंड चले गए हैं, कोई आपका कोई है नहीं, प्रवक्ता आपका है नहीं, आप चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली की स्थिति यह है कि हॉस्पिटल्स में चले जाइए, डिस्पेंसरी में चले जाइए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कोई लोगों की सुनने के लिए नहीं है। कह रहे हैं हमने पानी का बंदोबस्त कर दिया, हमने डिस्पेंसरीज में टेस्ट का बंदोबस्त कर दिया। अरे ये कौन सा बंदोबस्त है, आपने ये बताइए, जब ये बरसात का सीजन शुरू हुआ उससे पहले आपने कितनी सिल्ट निकाली? आपने अभी 4 दिन 1 दिन बरसात ज्यादा हो जाती है तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो जाता है, पानी भर जाता है। ये सरकार, कोई सरकार, ये जो आप पार्टी की सरकार चल रही है, ये दिल्ली के लोगों के बारे में कंसर्न नहीं है। अभी इन्होंने 1 दिन का सेशन बुलाया, उस सेशन में अगर कोई ये दिल्ली की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा सेक्रेटरी जो है विधानसभा का, उसको हटा दिया गया, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्या डिस्कस कर रहे हैं? कह रहे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी कम हो गई है, लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, तो क्यों काले झंडे दिखा दिए, वो डिस्कस कर रहे हैं? ना इन्होंने डेंगू पे डिस्कस किया, ये महामारी पे डिस्कस किया, ये तो केवल दिल्ली को खिलवाड़ किया हुआ है इन्होंने कि यहां से आते हैं, सैरगाह बनाई हुई है, कोई घूम के गोवा से आ जाते हैं, कोई घूम के पंजाब से आ जाते हैं, और दिल्ली की लोगों की हालत बहुत खराब है और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए इस आप पार्टी को छोड़ देना चाहिए दिल्ली को, और इनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। तो बिल्कुल आपने बात सुनी होगी ओपी शर्मा जी, यहां पर कहा जा रहा है कि एलजी भी बाहर है, और दिल्ली सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जब उनके पास पावर नहीं है, आपने मुख्यमंत्री का ट्वीट भी देखा होगा, उनके पास पावर नहीं तो उनसे सवाल क्यों किए जाते हैं? ओपी शर्मा जी, अरे मोहल्ला क्लिनिक में सत्येंद्र जैन जी अपनी लड़की को वहां पे बना के स्पेशलिस्ट भेजते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक की जब बात करते हैं तो ये बड़ी बड़ी जो है हवाबाजी करते हैं कि न्यूयॉर्क तक में छप रहा है, तो तब ये इस तरह की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी जैसा कि मुझसे पहले कहा गया, पीडब्ल्यूडी अपने काम में बिल्कुल नाकामयाब रही है, दिल्ली में बारिश हुई, पानी भरा, सिल्ट इन्होंने निकाली नहीं, दिल्ली में जो मच्छर फैले। और एक बात, एक अपेक्स कमेटी जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिसमें तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर भी होते हैं,
उनका ये काम होता है दिल्ली में किसी महामारी फैलने की जो आशंका है उससे लड़ने के लिए अस्पताल और अपनी सारी चीजों को चाक चौबंद करे। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता के अंदर दिल्ली को महामारी से बचाने के लिए अब तक कितनी मीटिंग हुई है और इसमें हेल्थ मंत्री का और हमारे केजरीवाल जी का हमारे सिसोदिया जी का इसमें क्या योगदान रहा, उन्होंने कितना विचार किया, कितना विमर्श किया, इसके रोकथाम के लिए उन्होंने क्या उपाय किए, जो 523 करोड़ रुपया जो अपना बजट का ये लिए घूम रहे हैं उसमें कितना रुपया लोगों को सुशिक्षित करने के लिए इन्होंने खर्च किया। ये केवल रंगरेलियां मना रहे हैं, इनका काम केवल रंगरेलियां मनाना है, इनको दिल्ली की जनता से इनका किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं कर्नल सिटी कंबोज के पास चलते हैं। कंबोज साहब, आपने सुना होगा किस तरह से ओपी शर्मा जी यहां पर आरोप लगा रहे हैं, आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए वो तो मुझे सुनाई नहीं दिया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन छतर सिंह जी की आवाज मुझे सुनाई दी है जी, और उन्होंने आज के मुद्दे के ऊपर कुछ खास बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि सैरगाह बनाई हुई है, दो दिन के लिए गोवा चले जाते हैं और अपना जो इलाज कराने के लिए वो जो सीएम साहब है वो गए हुए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं छतर सिंह जी कि आपके तो राहुल गांधी जी एक महीना डेढ़ महीना कहां चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं होता, और डेढ़ महीने के बाद उनको ढूंढना पड़ता है और तब भी पता नहीं लगता कि वो कहां गए कहां नहीं आए। और आप ये सवाल बीजेपी से पूछें जिनके बारे में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली में कम रहते हैं और विदेशों में ज्यादा रहते हैं। आपको मुझे समझ नहीं आता कि क्या पॉइंट उठा रहे हैं, क्या दो दिन के लिए गोवा जाने से कोई जो है दिल्ली का नुकसान हो गया है? पॉइंट पे आए, अफसोस की बात यह है कि खाली जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली के आसपास और जो पहली डेथ हुई थी मुझे पता चला है कि वो आदमी गाजियाबाद के थे, उनके लिए भी जो है डेथ हुई, दिल्ली में इलाज कराने के लिए आए थे। बाकी तीन कहां के हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पहली डेथ हुई थी वो सज्जन जो है वो गाजियाबाद से थे। और ये प्रॉब्लम पूरे नॉर्थ इंडिया की है, हमें मिलकर इसके बारे में देखना चाहिए कि क्या करना है। यानी कि आप रोग प्रतिरोध के बारे में जो है वो नहीं करना चाहिए, जो आप ये जो सियासत जो है इसकी राजनीति खेल रहे हैं मौतों के ऊपर पे, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं। चलिए जवाब दीजिए जी, एक मिनट जी। कंबोज जी, आप कह रहे हैं राहुल गांधी कहां घूम रहे, राहुल गांधी हरिजनों के घर में घूम रहे, राहुल गांधी किसानों की बात पूछने के लिए यूपी में घूम रहे हैं, और आपके नेता कहां घूम रहे हैं? आपके नेता हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं, इलाज कराने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं। आप किस बात कर रहे हैं? आपने देखा है दिल्ली में? दिल्ली में आके देखिए हॉस्पिटल्स की क्या हाल है, किस हॉस्पिटल में, किस डिस्पेंसरी में आपने पानी का बंदोबस्त किया हुआ है? आपने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले कभी जाके देखा है कि वहां उनकी हालत क्या है? वहां ना डॉक्टर है, ना अटेंडेंट है, ना पानी है, ना कुछ है, ना दवाई है। यहां हालत खराब है दिल्ली में। आप चंडीगढ़ से बैठ के दिल्ली की बात कैसे समझ सकते हैं? या तो दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली में हॉस्पिटल्स नहीं है, और आप जिस सज्जन की बात कर रहे हैं कि वो यूपी के आदमी है, अरे दिल्ली में हॉस्पिटल्स में डेथ हो रही है, दिल्ली के हॉस्पिटल में आज चार डेथ हो गई है दिल्ली में अभी तक चिकनगुनिया से, और आप कह रहे हैं एक डेथ हुई है। यहां दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली के लोगों की खराब है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, यहां से भाग के जाते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अरे दिल्ली के लोगों ने आपको चुना है कि दिल्ली में शासन दे, दिल्ली को गवर्न करें, आपको इसलिए नहीं चुना है कि दिल्ली के लोग चुन रहे हैं आपको। आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोग चुन रहे हैं, आप फिनलैंड घूम रहे हैं, छतर सिंह जी कोई बात थोड़ी है। चलिए जवाब दीजिए साहब, कहना साहब। छतर सिंह जी, ये मानयोग छतर सिंह जी, थोड़ा गुस्सा कम करें। और अगर हमने पूछा है कि राहुल जब एक महीने के लिए गुम हो गए थे उसके बारे में क्या है, और क्या आपको मालूम है कि सोनिया गांधी जी इलाज कराने के लिए कौन से मुल्क में जो है बार बार जाती हैं? ये तो हमारे सीएम साहब तो बेचारे बेंगलोर गए हैं, और बहुत देर से सभी दुनिया को मालूम है कि उनको थ्रोट की प्रॉब्लम है, वो तो अपने मुल्क में गए हैं। सोनिया गांधी जी तो हर चौथे दिन जो है वो अमेरिका जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं इलाज कराने के लिए। आपके सभी नेता जो है फॉरेन में इलाज कराते हैं और वो वहां पर जाते हैं। आप और जो आप कह रहे हो राहुल गांधी जो है गरीबों में घूम रहे हैं,
क्या बात करते हो राहुल गांधी की बात छोड़ो, राहुल गांधी की बात करो, दिल्ली में हॉस्पिटल में क्या हाल है उसका जवाब दो। कंबोज साहब दिल्ली से बाहर मत निकलो, दिल्ली में हॉस्पिटल के बारे में आपकी सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना है, दिल्ली के लोगों के लिए जवाब दे आपकी सरकार। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहां इलाज कराते हैं आपको नहीं, सारे देश को मालूम है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर लगातार जारी है, वह छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं, उसके बाद हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी।